एवरीवन, और मैं आपको इस जगह के बारे में और पिछले कुछ दिनों से हमारा कैसा रूटीन रहा है इस बारे में बताता। यहाँ पर पीपल गेट अप एट 3:30, फिर उसके बाद 4 बजे, अराउंड 4 बजे या 4:30 मंगल आरती अटेंड करते हैं। 4 बज चुके भी जा रहे हैं हम आरती अटेंड करने के लिए। इट्स द बेस्ट स्टार्ट फॉर योर डे, लाइक नथिंग कुड बी बेटर देन दैट, क्योंकि इतना मज़ा आता है ना, यू फाइंड योर सेल्फ लॉस्ट। सीरियसली दिस इज एक्सपीरियंस स्पीकिंग, लाइक मैं भी एक्सपीरियंस के बेस पर ही बोल रहा हूँ आपको, ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 3 दिनों से। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है। और फिर उसके बाद हम आते हैं नदी के किनारे, वहाँ पर बैठकर चैंटिंग करते हैं, एक डेढ़ घंटा चैंटिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करके फिर लेक्चर्स होते हैं। लेक्चर्स में हम सुनते हैं कथाएं, ना हिस्ट्री। इफ़ समवन इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री तो ही विल लव इट, आई लव इट बिकॉज आई लव हिस्ट्री। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टोरीज सुनना, कथाएं सुनना, मुझे एक्चुअली ये फैसिनेट कर देता है, सो आई लव अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ इज बीन लाइफ डिफरेंट? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने मिला है जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया, और ये जो एक्सपीरियंस था, आई कैन से दिस विद कॉन्फिडेंस कि ये अब तक का लाइफ में सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक है, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने मिला है ना जिसकी नीड हमारे हृदय को होती है। जब भी आपको मौका मिले ना कई दिनों के लिए बाहर जाने का, कहीं और रुकने का, तो एक बार चले जाइए, एक बार देखिए कि बाहर लोग कैसे जी रहे हैं, बाहर दुनिया कैसी है। सो इससे ना हमें एक आइडिया आ जाता है। आई नो आई एम टू स्मॉल टू से दिस, मैंने भी इतना कुछ ऐसा किया नहीं है, बट अब तक जितना एक्सपीरियंस हुआ है ना, उस बेसिस पर आई एम टेलिंग यू कि जब भी मौका मिले जस्ट गो, जस्ट डोंट गो विथ एनीवन, सी दैट देयर आर गुड पीपल्स अराउंड यू, और यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड यू विल गेट टू नो पीपल कि वो कैसे जीते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, क्योंकि हमें ना थोड़ी देर में किसी पर्सन को मिलकर हमें उनके बारे में पूरी जानकारी कभी नहीं हो सकती, राइट? जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें वो काफी लिमिटेड होगी, है ना? इसीलिए यू हैव टू स्पेंड टाइम विद दोस पीपल। और मुझे आई एम सो लकी टू से दिस कि I am getting, you know, hours and hours to spend my time with such great people. It's a very big thing. It's not less than a blessing. ये मैं बार बार बोल चुका हूँ और बार बार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि they are, you know, creating a huge impact, making, I don't know, so many of people a better person in their life by not doing anything, just being the way they are. So ऐसी जगह पर आकर, you know, हमारी जो छोटी छोटी tensions होते हैं हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, वो सब कुछ नहीं घूमता। जब नए लोगों के साथ हम रहते हैं ना, तो नई बातें सीखते, नई तौर तरीके सीखते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें सीखते जो हमें पता नहीं थी और जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कुछ सीखने मिल सकता है। और मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने मिलेगा, सो आई एम वेरी लकी टू से दिस कि इसके लिए तो मैं बार बार ऐसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, सो ब्लेस्ड। Thank you.
तो अभी जाने का वक्त आ चुका है। जाने का वैसे मन नहीं है, पता नहीं लगा 3 दिन कैसे चले गए, बट अभी जाना तो होगा। शुरुआत हुई तो अंत भी होगी ना। बहुत अच्छा रहा जर्नी ओवरऑल, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया।